लेजेंडरी फिल्म एक्टर दिलीप कुमार का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म जगत के एक युग का अंत हो गया। करीब 7 से 7:30 बजे सुबह के बीच उनका निधन हो गया। इस महीने उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन बुधवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को बांद्रा स्थित उनके घर में लाया गया, जहां फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया। दिलीप कुमार के निधन के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो पूरी तरह से बेसुध हो गई हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी 1966 में हुई थी। तब से दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। उनके जाने से सायरा बानो का सहारा छिन गया है और वो बेहद गमगीन थीं। दिलीप कुमार की मौत की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, उनके चाहने वालों का उनके घर पर तांता लग गया। सायरा ने एक गेस्ट को बताया कि अब मैं क्या करूंगी। दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया तो वहां का दृश्य बेहद भावुक था। सायरा बानो की आंखों में आंसू थे। वो दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट कर रो रही थीं। ऐसा लगता था जैसे दिलीप कुमार जीवित हैं और उनसे लिपट कर वो कुछ उनसे कह रही हों। महान एक्टर दिलीप कुमार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। 7 जुलाई को शाम 5 बजे मुंबई के जूहू कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिलीप कुमार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।